कर दी। ब्रजेश ने अपने हत्याकांड के को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया। वो हरिहर सिंह के घर गया, उसके पैर छुए और गोली मार दी। पिता की हत्या का पहला बदला पूरा हो चुका था। 1985 में ब्रजेश सिंह पर इस हत्याकांड का केस दर्ज हुआ, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से दूर रहा। अगले ही साल 1986 में चंदौली जिले में सिकरोरा गांव में एक साथ सात लोगों की हत्या हो गई। आरोप लगा कि ब्रजेश ने अपने पिता की हत्या में शामिल पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत कई भाइयों और चार भतीजों की दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने ब्रजेश को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जेल में उसकी मुलाकात स्त्री सीता त्रिभुवन से हुई।